हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मेरे वीडियो। इसमें हम बात करने वाले हैं मर्चेंट ऑफ वेनिस सीन वन एक्ट वन। ये लिखा गया है आपका विलियम शेक्सपियर द्वारा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का स्टार्ट होता है सीन जिसमें एंटोनियो जो रहता है वो सोलेनियो के साथ बैठा रहता है, जिसमें एंटोनियो काफ़ी उदास रहता है। ठीक है, एंटोनियो कौन रहता है? एक मर्चेंट ऑफ वेनिस रहता है। वेनिस एक इंग्लैंड में एक शहर है, तो उसमें एक मर्चेंट रहता है जिसका एक इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस रहता है। तो ये काफ़ी उदास रहता है। तो इसके बाकी जो दोस्त रहते हैं जैसे कि सेलेनियो, वो इसका गेस करने की कोशिश करते हैं कि उदास क्यों है। तो सेलेनियो बोलता है शायद ये इसलिए उदास है क्योंकि इसके जो बहुत सारे जो जहाज़ चलते हैं तो उसके चलते ये थोड़ा उसी को लेकर दुखी है कि उसका जहाज़ कहाँ होगा, किस वक्त कहाँ होगा, कैसा होगा। ठीक है, तो सेलेनियो इसमें उसको बोलता है कि तुमको ऐसा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम्हारे जो जहाज़ है वो काफ़ी बड़े हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो वेनिस है वहाँ पर बाकी बहुत सारे छोटे छोटे मर्चेंट भी थे, उनके मुकाबले उसका जहाज़ काफ़ी बड़ा रहता है। ठीक है, तो तुमको चिंता की जरूरत नहीं, तुम्हारा जहाज़ काफ़ी सही सलामत है और तुम दुखी मत हो। तो फिर आते हैं सोलेनियो के ऊपर। सोलेनियो को शुरू से एंटोनियो का बिज़नेस काफ़ी रिस्की लगता था। जो जहाज़ का काम करता है, जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, वो काफ़ी उसके लिए रिस्की था। और उसको भी लगता है कि एंटोनियो को इसीलिए परेशान है क्योंकि वो जहाज़ का कुछ प्रॉब्लम के चलते वो परेशान है। तो वो बताता है कि अगर मेरा इस तरह का रिस्की बिजनेस होता तो मैं तो बहुत बहुत परेशान हो जाता भाई। तो मैं हमेशा हवा देखता रहता कि हवा किस तरह से बह रहा है, मैप देखता कि मेरे जहाज़ इस वक्त कहाँ है और सबसे सेफ़ रूट कौन सा है। आप खुद तो जानते होंगे इस जहाज़ को कितने पायरेट्स भी रहते हैं, डाकू लुटेरे रहते हैं। तो सबसे चाहता कि सबसे सेफ़ रूट कौन सा, मैं उसी में बिज़ी रहता, हर सेकेंड में परेशान रहता। तो फिर सोलेनियो कहता है कि उसको हर वो चीज़ से डर लगता है जो कि शिप से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसके लिए वो तीन एग्जांपल देता है। सबसे पहला एग्जांपल देता है सूप का। सूप जब वो पीता है और उसमें फूंक मारता है उसको ठंडा करने के लिए, तो उसमें लहर बनता है। ठीक, तो बोलता है एक तो छोटा सा फूंक से इतना लहर बन रहा है, तो क्या होगा अगर बहुत ही तेज़ हवा चले और मेरा जहाज़ को उड़ा के ले जाए। ठीक है, तो होगा, तो वो इसका डर हुआ। सेकेंड डर उसको बोलता है कि अगर मैं आवर ग्लास को देता हूँ, आवर ग्लास में क्या होता है, रेत होता है। ठीक है, तो बोलता है कि अगर क्या हो अगर मेरा जो जहाज़ है वो एक सैंडून से टकरा जाता है, मतलब सैंडून यानी कि जो रेत का जो एक तरह का चट्टान होता है समुद्र में, उससे टकरा जाए तो क्या होगा, उसका तो पूरा जहाज़ का परखच्चा उड़ जाएगा। फिर थर्ड एग्जांपल देता है, वो जब चर्च जाता है तो चर्च का जो रॉकी दीवार को देखता है, तो उसको लगता है क्या हो अगर मेरा जहाज़ इस चट्टान से टकरा जाए, तो इसी तरह का रॉक से, तो उसमें जहाज़ में लदा हुआ जो भी कार्गो है वो पानी में बह जाएगा। ठीक है, और उस टाइम पे आपका स्पाइसेस का यानी कि मसालों का आना जाना होता था, तो उसका जो स्पाइसेस का जो कार्गो है वो गिर जाएगा पानी में, और जो रेशम का जो कार्गो है वो तो पानी में पूरी तरह साफ हो जाएगा और वो एक ही झटके में वो पूरी तरह से बैंक्रप्ट हो जाएगा, यानी कि पूरा भिखारी हो जाएगा। फिर एंटोनियो बोलता है नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं है, मुझे अपना बिजनेस को लेकर मुझे टेंशन नहीं है क्योंकि मैंने बहुत सारे पैसे को इधर उधर बहुत ही डाइवर्सिफाई कर दिया है, मतलब अलग जगह लगा दिया है। तो अगर मेरा अगर एक दो अगर जहाज अगर टूट भी जाए तो मुझे ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तब सोलेनियो को लगता है कहीं ये प्यार का चक्कर तो नहीं है, तो बोलता है नहीं, मैं प्यार से तो बहुत कोसों दूर हूँ। फिर सोलेनियो बोलता है कि ना तो कुछ प्यार का चक्कर, ना तुमको कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फिर तुम दुखी क्यों हो, खुश रहा करो ना। फिर सोलेनियो उसको बोलता है कि प्रवचन देना शुरू कर देता है कि इंसान भी कभी अजीब होते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बिना बात के ही खुश रहते हैं, चाहे उनको कितना भी दुख हो जाए, चाहे उसका घर द्वार टूट टूट जाए, कुछ भी हो जाए, फिर भी वो लोग खुश रहते हैं। ठीक है, और कुछ लोग ऐसा होते हैं चाहे उसको कितना भी खुशी दे दो, कितना भी खुश करने की कोशिश करो, कभी खुशी नहीं होते, हमेशा मुँह लटका के बैठे रहते हैं। इतना सब कुछ वो बोल ही रहा था कि तीन नए कैरेक्टर का एंट्री होता है, बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेटियानो। ठीक है, ये भी एंटोनियो के काफ़ी अच्छे फ्रेंड होते हैं। फिर सेलेनियो जो रहता है वो एंटोनियो को बोलता है कि अब तो शायद तुम्हारे तीन लोग आ चुके हैं, तो अब हम लोग दोनों के यहाँ का क्या काम। तो एंटोनियो से ये आने की इजाज़त लेता है। तो फिर एंटोनियो को लगता है कि शायद सेलेनियो और सोलेनियो को लगता है कि वो उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देता। ठीक है, तो एंटोनियो बोलता है नहीं, तुम लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट हो, लेकिन फिर भी उसको जाने देता है क्योंकि वो दोनों भी कुछ मर्चेंट थे। ठीक है, तो उनको भी अपना काम पे जाना था। तो एंटोनियो बोलता है ठीक है, तुम लोग को अभी देर हो रहा होगा, तुम अपने काम पे जाना चाहते हो तुम ना जाओ। तो फिर सेलेनियो फिर बाकी लोगों से मिलते हैं, बसेनियो, लोरेंजो और ग्रेटिनो से, तो उनको गुड मॉर्निंग बोलते हैं। फिर बसेनियो बोलता है तो और भाई कभी तो मिला करो, तुम आजकल दिखते नहीं। ठीक है, तो सेलेनियो बोलता है कि ठीक है, किसी दिन मिलते हैं साथ में टाइम निकाल के। तो ये सब बोलकर सोलेनियो और सेलेनियो वहाँ से चले जाते हैं।
फिर लोरेंजो बेसेनी को एंटोनी से मिला देता है। एंटोनी से मिलाने के बाद लोरेंजो बोलता है कि अब तो मैंने तुम्हें एंटोनी से मिला दिया है, तो अब मैं यहाँ से निकलता हूँ। तो बेसेनी बोलता है ठीक है, हम लोग को डिनर में मिलते हैं। तो एक्चुअली इन सब का डिनर के बाद मिलने का प्लान था। अब हम आते हैं ग्रेटियानो पर। ग्रेटियानो एक हंसमुख इंसान है और काफ़ी ज़्यादा बोलने वाला इंसान है, ठीक है। तो जब वो एंटोनियो को देखता है कि वो काफ़ी उदास है और काफ़ी उखड़ा उखड़ा सा है, तो उससे बोलता है तुम अपने लाइफ को कुछ ज़्यादा ही सीरियसली ले रहे हो, ठीक है। और मैंने देखा है कि जो लोग अपने लाइफ को ज़्यादा सीरियसली लेते हैं वो अंत में काफ़ी दुखी रहते हैं। इस पर एंटोनियो कहता है मुझे तो ये पूरा दुनिया एक थिएटर की तरह लगता है और हर कोई अपना अपना कोई एक किरदार निभा रहा है और इसमें मेरा किरदार एक दुखी इंसान का है। इस पर ग्रेटियानो कहता है कि अगर तुम एक दुखी इंसान का कैरेक्टर निभा रहे हो तो मैं एक खुश रहने वाला एक बेवकूफ़ इंसान का कैरेक्टर निभाऊंगा। ज़िंदा होते हुए भी एक मूर्ति की तरह बैठे रहने से अच्छा है कि मैं वाइन पीते हुए अपनी ज़िंदगी खुल के जीऊँ, चाहे मेरे लेबर क्यों ना सड़ जाए। फिर वो एंटोनियो को समझाता है कि मैं ये सब तुम्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। मैं ऐसे कई लोग को जानता हूँ जो सोचते हैं कि अगर वे शांत रहेंगे तो लोग उन्हें एक समझदार समझेंगे, लेकिन लोग उन्हें समझदार इसलिए समझते हैं क्योंकि वे लोग कुछ बोलते ही नहीं। लेकिन यकीन मानो, जिस दिन वो लोग अपना मुँह खोलेंगे तो सब समझ जाएंगे कि वो कितने बेवकूफ़ हैं। इतना कहकर ग्रेटियानो एंटोनियो की थोड़ी खिंचाई करता है। इसके बाद वो लोरेंजो को कहता है कि वो अपना लेक्चर डिनर के बाद कंटिन्यू करेगा। फिर लोरेंजो ग्रेटियानो को कहता है कि शायद उसका कैरेक्टर एक साथ शांत रहने वाला बुद्धिमान इंसान का है, लेकिन वो शांत इसलिए नहीं रहता क्योंकि उसके साथ शांत रहने का अच्छा लगता है, बल्कि वो शांत ग्रेटियानो के चलते रहता है क्योंकि जब ग्रेटियानो बोलता है तो उसे और किसी को बोलने ही नहीं देता। इस पर ग्रेटियानो मजाक करता है कि तुम मेरे साथ एक और दो साल बैठो तो तुम अपना खुद का आवाज़ भूल जाओगे। इसके बाद एंटोनियो बोलता है कि तुम लोगों का लेक्चर सुनकर मुझे अब थोड़ा अच्छा फील हो रहा है, और ग्रेटियानो को थैंक यू बोलता है। इसके बाद ग्रेटियानो और लोरेंजो वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं ग्रेटियानो और लोरेंजो को जाने के बाद एंटोनियो बेसेनी से पूछता है ये ग्रेटियानो के दिमाग का स्क्रू ढीला है क्या। इस पर बेसेनी बोलता है ग्रेटियानो दिन भर बकवास करता रहता है और उसकी बातों में सेंस खोजना ऐसा है जैसे कोई भूसे के ढेर में सुई खोजना, और अगर कोई सेंस की बात पता चल भी गई तो आपको पता लगता है कि वो भी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर एंटोनियो बेसेनी से एक लड़की के बारे पूछता है जिसे वो एक स्पेशल ट्रिप पर ले जाना चाहता था। फिर बेसेनी उस लड़की के बारे बताते हुए अपने मंगेतर के बारे बताता है। एक्चुअली बेसेनी काफ़ी दिनों से अपने मंगेतर को लेकर काफ़ी परेशान था क्योंकि वो काफ़ी खर्चीली लड़की थी और उसके लग्जरी लाइफ का बिल भरते भरते उसका भरता निकल चुका था, और उसने काफ़ी पैसे भी दूसरे से उधार लिए हुए थे जिसमें एंटोनियो भी शामिल था। लेकिन एंटोनियो फिर भी बेसेनी को से कहता है कि वो एक उसकी मदद करना चाहता है और भले इसके लिए उसके अपने सारे पैसे देने पड़े। वह दोस्ती हो तो ऐसी। फिर बेसेनी एंटोनियो के स्कूल के दिनों की याद दिलाता है कि कैसे वे लोग बचपन में एरो शूट किया करते थे, और जब उसकी एक एरो गुम हो जाती थी तो दूसरी एरो को भी उसी डायरेक्शन में उसी तरह से मार के देखता था कि पहली वाली एरो कहाँ पर है। इस तरह से वो दूसरी एरो को रिक्स में डालकर दोनों एरो को खोज लेता था। इसी तरह एंटोनियो को कहता है कि वो उसे एक और मौका दे जिससे वो एंटोनियो का उधार के पैसे उसे चुका पाए। एंटोनियो उससे बोलता है कि तुम इस तरह बातों को घुमाकर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो और तुम्हें जो भी हेल्प चाहिए वो उसे देने का तैयार है, बस एक बार उसे अपना प्लान बता दे। इस पर बेसेनी एक बेलमोंट की एक लड़की के बारे बताता है जिसका नाम पोर्शिया रहता है, और वो काफ़ी खूबसूरत और अमीर रहती है, और उसे लगता है कि वो भी उसको पसंद करता है क्योंकि उसने उसकी आँखों में अपने लिए प्यार देखा है। पोर्शिया की खूबसूरती की वजह से और भी कई लड़के उसे शादी करना चाहते थे, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अपना बेसेनी जो था वो रहता है फ़कीर और दूसरी तरफ पोर्शिया रहती है अमीर, तो अगर उसे पोर्शिया को पाना है तो उसे भी अमीर लगना होगा, जिसके लिए उसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी। फिर एंटोनियो बोलता है कि पैसे तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ लेकिन अभी मेरे पास नहीं है क्योंकि मेरी जो शिप है वो अभी समुद्र में फंसी हुई है, लेकिन तुम मेरी गारंटी पर जितना हो सके तुम लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, जो भी लोन तुम ले सकते हो। और इसी तरह ख़त्म होता है मर्चेंट ऑफ वेनिस का एक्ट वन सीन वन। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।